हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ की जिला स्तरीय बैठक जिला प्रधान ब्रह्मदास की अध्यक्षता में पुलिस लाइन हमीरपुर में आयोजित की गई। जिला स्तरीय बैठक में प्रदेश कल्याणकारी संघ के महासचिव चेयरमैन सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बैठक में संघ की प्रदेश कल्याणकारी संघ की पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सम्मान ग्रेड पे का लाभ न मिलने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सम्मान ग्रेड पे का लाभ के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। रिटायर्ड एएसपी जगदीश शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में संघ के सेमिनार के लिए रूपरेखा तैयार की गई और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी वर्ष 2006 से लेकर 30 सितंबर 2012 तक के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को कम ग्रेड पे प्रदान किया जा रहा है, जबकि 1 अक्टूबर 2012 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक ग्रेड पे प्रदान किया जा रहा है। बैठक में मांग की गई कि सभी कर्मचारियों को एक समान ग्रेड पे दिया जाए। मुझे बड़ी हर्ष के साथ ही कहना पड़ रहा है कि आज की मीटिंग में हमारे साथ जो हमारे सहयोगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भी आकर के इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने मीटिंग में भाग लिया और हमारे जितने विचार जो इन्होंने सुने हैं उनके साथ एक मत हुए, उन्होंने हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और प्रेरणा दिया है। लोगों को पुलिस और कर्मियों की विधवाओं को जो समाप्त करना है उसके लिए रूपरेखा तैयार की है और उसका तुरंत ही हम इसको कार्यान्वित रूप देंगे। हमीरपुर के हम विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ बातचीत करने का और मीटिंग करने का दिया हुआ है और समय समय पर हमारी पूरी पूरी सहायता करते भी हैं। उनके हम दिल से अत्यंत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं।